हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप पेट फेस्टिवल के पार्कर को कम से कम टाइमिंग में कैसे कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो अभी आप मेरा नया इंट्रो एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पेट फेस्टिवल पार्क को कम से कम टाइमिंग में कैसे कर सकते हैं। इसको कम से कम टाइमिंग में करने के लिए आपको डैश आर्मर की स्पीड को बक करना पड़ेगा। वो कोई भी डैश आर्मर हो सकता है। स्टेप वन है कि आप पावर अप लो, वो कोई भी नियर बाय पावर अप स्टैंड हो सकता है। तो हमने यहाँ पावर अप ले लिया है। तो स्टेप टू है कि आपको पेट शॉप के अंदर जाना होगा, और जब आप पेट शॉप के अंदर होगी तो आपको स्टेप थ्री में पावर अप को ड्रिंक करना है। और अभी आप इसको बहुत ज़्यादा केयरफुली देखो, तो इस एग्जैक्ट लोकेशन पे आपको जंप करना है जहाँ मेरा पॉइंटर बता रहा था। और स्टेप फोर है, आपको बॉक्सेस हैं उनके ऊपर जंप करना है, और फिर डायरेक्टली आपको सिलेंडर एक्वेरियम के ऊपर जो प्लेस है उस पर जंप करना है। मेरा पॉइंटर उस प्लेस को बता रहा है। और स्टेप सिक्स पे आपको होल पे जंप करते रहना है जब तक कि पावर अप का टाइमर हाफ पे ना आ जाए। तो आपको जैसे ही वो हाफ पे आएगा आपको डैश आउट कर लेना है। हाफ पे आया नहीं पर अभी आ गया। तो डैश आउट करने के बाद वापस आपको ऊपर क्लाइम करना है। पर ये जो बग है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, इसके लिए आपको टाइमिंग के साथ एडियर होना पड़ेगा। फिर आपको जब टाइमर जहाँ मेरा पॉइंटर है वहाँ पॉइंट करेगा तो आपको डैश आउट करना है जैसे मैंने किया। और लास्ट बार आपको तब डैश आउट करना है जब टाइमर ऑलमोस्ट एंड पे हो गया। ये बहुत इजी बग नहीं है, इसको आपको एग्जैक्ट टाइमिंग से करना है। तो इसका थोड़ा केयरफुली करिएगा। तो अब जैसे देख सकते हैं बग सक्सेसफुल हो गया। और ये सिर्फ डैश आर्मर पे एप्लीकेबल है, जो है निम्डा आर्मर, एडमिन आर्मर एंड ड्रैगन आर्मर। वाओ, अभी हम पार्कोर करके देखते हैं। ये तो अल्ट्रा फास्ट हो गया। इतना फास्ट आर्मर अगर पीके वाले इंट्रोड्यूस कर दे तो रेस को करने का तो मजा ही आ जाए। तो अभी हम ट्रिक्स यूज करके जल्दी से पार्कोर कंप्लीट कर रहे हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं टाइमिंग आई है 12.20 seconds। वाओ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी हम वापस पार्कोर कर रहे हैं। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि हमारी टाइमिंग और इम्प्रूव हो जाए। और अभी हम अपनी टाइमिंग देखते हैं। वाओ, टाइमिंग तो है 12 seconds। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। और ये जो आप क्लिप्स देख रहे हैं इसके लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। मैंने कोई 1 घंटे तक की प्रैक्टिस की है, और जब बेस्ट टाइमिंग की क्लिप्स निकल के आई वो मैंने कट करके आपको दिखा दी है। तो शुरू करते हैं। तो अभी हम थर्ड टाइम कर रहे हैं, और ये एक ट्रिक है जो मैं अभी आपको अगले क्लिप में बताऊंगा, वो भी स्लो मो के साथ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। तो सॉरी कि मैंने आपको टाइमिंग नहीं दिखाई, पर टाइमिंग थी 11.36 seconds। तो अभी हम वापस करते हैं और देखते हैं कि टाइमिंग इंप्रूव होती है या नहीं। वाओ, ये तो बहुत ज्यादा ऑसम है। और ये रकून के हेयर पे चढ़ के, वाओ, और ये टाइमिंग आई 11.39 seconds। तो मैं अभी आपको कुछ ट्रिक्स बताता हूँ ये पार्कोर को लेस टाइम में करने के लिए। तो आपको डायरेक्टली प्लैटिपस के हेयर पे जंप करना है, जो मेरा पॉइंटर पॉइंट करके बता रहा है। फिर डायरेक्टली रिंग के ऊपर से जंप करना है, उसके बाद आपको ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप करना है, फिर जो सबसे लास्ट रिंग है उसके ऊपर जंप करना है, फिर आपको रिकून के हेयर पे चढ़ के वापस रिंग के आर पार जाना है। और आप बग 10.99 seconds में कर पाओगे। मैंने बग यहाँ 10.99 seconds में किया। तो अभी हम ट्राई करते हैं कि हम ये बग 10.90 seconds में कर पाए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम ट्रिक्स वो ही यूज करेंगे, कोई ट्रिक्स में चेंज होने नहीं वाला। और मैं कहना चाहता हूँ कि ट्रिक्स बहुत ज्यादा ऑसम है। वाओ, अभी टाइमिंग आई 10.90 seconds। हुर्रे! और अगर आपने डैश आर्मर को बग नहीं किया होगा तो ये इतनी जल्दी पार्कोर नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज इस
वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय, लव यू गाइस, सी यू लेटर इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।